एंशियस। सो गाइस मैं एक बार फिर से धीरू मॉन्चिंग की वीडियो में रिएक्ट देने वाली हूँ। सो गाइस जिसका टाइटल है शी वेंट्स टू फाइल केस अगेंस्ट कैरी मिनाटी। ओएमजी। सो गाइस प्लीज जरूर देखो इस वीडियो को और लाइक कमेंट भी जरूर करना। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी घमासान बेइज्जती कराने के बाद सारे टिकटॉकर शांत बैठ चुके हैं? नहीं 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 नहीं, सब नहीं बैठे। कुछ की रामकली में अभी भी कीड़ा दौड़ रहा है। वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि टिकटॉक बेस्ट है, यूट्यूबर्स चूतिया हैं। और ये सारे के सारे वही है जिनका व्हाट्सएप स्टेटस ये रहता है, कान फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। तो आमिर भैया की सामुदायिक बेइज्जती होने के बाद कई टिकटॉकर्स का ये कहना है कि नहीं 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 नहीं, हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमारी भी नहीं हो जाती। मैं किसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन तुम लोग ने मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे इनकी वीडियो में इतना मेंशन किया कि भाई मेरे दिमाग का भंग हो चुका है। और जब तक मैं कैमरे के आगे आके बोलूंगा नहीं, मेरे अंदर की बातें बाहर आएंगी नहीं, अंदर ही घूमती रहेंगी, वो पागल हो जाऊंगा मैं। बाकी ट्रेंडिंग टॉपिक है, व्यूज भी चाहिए भैया। टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, तो कैसे हैं आप लोग? अबे तुम कंटेंट की, कम्युनिटी की और टिकटॉक की इतनी बातें तुम कर रहे हो। सबसे पहली बात तो तुम मुझे बताओ कि तुम खुद टिकटॉक पे क्या कर रहे हो? अबे टिकटॉक पे कुछ नहीं करना है, तुम्हारा टिकटॉक खुद यूट्यूबर्स को इनवाइट कर रहा है कि इधर आके ढंग का कंटेंट बनाओ। यहाँ बेटी चोद लौंडे कंटेंट के नाम पे सिर पे अंडे फोड़ रहे हैं, आंखों में 50 रुपए के नीले लेंस और बालों पे 30 रुपए की हीना मेहंदी लगा के खुद को हीरो समझ रहे हैं। तो गाइस मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज, ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे। आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है, इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक। आमिर भाई आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आप आराम करो खुल्ला कुछ नहीं बोलेंगे, सांस लो। चलो छोड़ो टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। जितने तुम सबके मिला जुला के ना, उतने कैसे कहते हैं फैजू। अरे अंडर पुदीना चावल क्या बकचोदी पे लो, भुवन भैया का नाम सुनो, हफ्ते में एक या दो पोस्ट डालते हैं तब भी 9 मिलियन है। फैजू की तरह नहीं है, दिन की जब तक 4 पोस्ट नहीं डल जाती चैन नहीं पड़ता। और उनमें भी लाइक और कमेंट का रेशियो देख लेना भैया किसका ज्यादा है। और साले वीडियो तू बना रहा है अपने 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 गिनवा। छोड़ो यार इंस्टाग्राम भी छोड़ो, अब आ जाते हैं यूट्यूब पे, यहाँ के तो राजा है यार ये। क्या बात है, जितने तुम्हारे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा 3-3 गुना ज्यादा तो उनके गानों पर आ जाते हैं। इतनी प्यार से तुम्हें समझाया, अमेरिका का दलाल बहन चोद। गाने पे एंगेजमेंट, अच्छा फैजू रियाज तो खुद बैठ के गाने लिख रहे हैं ना, कहां भी रहे फिर कैमरा पकड़ के म्यूजिक वीडियो भी शूट कर रहे हैं, लाइट मैन स्पॉट बॉय सब खुद ही बन के घूम रहे हैं ना। अबे सतरंगी गांडू, 100-150 लोग मिलके म्यूजिक वीडियो बनाते हैं और फिर यूट्यूब पे उनके एड अलग चल रहे होते हैं उनके सॉन्ग्स के, टिकटॉकर सिर्फ सॉन्ग में एक्टिंग करते हैं और व्यूज कितने भी हो गानों पे, आज तक हमने गली मोहल्ले में गाने सुनते हुए नहीं देखे ये सब। और लाइक रेशियो की तो खैर बात ही मत करो, कैरी भैया ने सबकी गांठ फाड़ के फरीदाबाद पहुंचा दी है। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, लोगों की 15 सेकंड की साउंड मेरे लिए एक पूरी मेरी रात की मेहनत होती है। इज्जत किया करो सबकी। किसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं हम, ये बताओ, अब तुम खुद आके हमारे चरित्र पे लांछन लगाओ के तुम पानी लेके उसे साफ भी ना करें, हैं? इज्जत किया करो सबकी, अब उल्टे काम ही क्यों करते हो? लोगों की 15 सेकंड की साउंड मेरे लिए एक पूरी मेरी रात की मेहनत होती है। और भैंचो 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए पूरी रात, बंटी के साबुन से भी स्लो है तू। सो कैरी मिनाटी ने इन्हें यूज किया। कैरी तूने भेंचो दलाली का काम शुरू कर दिया, मुझे 70 साले दल्ला है तू। ठीक है ये लोग स्लोमो कर रहे हैं, इसको स्लोमो बोलते हैं, वो लोग रियल लाइफ में स्लो मोशन में ऐसे चलते हैं, दैट इज एन जस्ट एन एक्ट, एक्ट के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, नाच रहे हो, भौंक रहे हो, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो आप बस। हाँ हम एक्ट नहीं करते हैं, हम तो जिस पे वीडियो बना रहे हैं अगर वो हमें रास्ते में मिल जाए तो उसकी गांड में घुस के बैठ जाएंगे, है ना दीदी। हम भी एक्ट ही करते हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नाच रहे हो, भौंक रहे हो, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो आप बस। और बाकी आजकल कुत्तों से ज्यादा तो गधे भौंक रहे हैं। शिल्पा शेट्टी, ठीक है, शी इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, काइली जेनर इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, नौरा फतेह इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, कैरी मिनाटी, भुवन बम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल ऑल्सो ऑन टिकटॉक। और ये लोग खाते पीते हकते मुत्ते वीडियो नहीं बनाते हैं, इन्हें जरूरत नहीं है दिन की 10 वीडियो पोस्ट करने की, ये टिकटॉकर नहीं है भैया, ये ऑलरेडी सेलिब्रिटीज है, कुछ कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, उखाड़ चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं पड़ी है टिकटॉक पे आने की, कंपनी अप्रोच करती है इसीलिए आते हैं भैया, समझो तुम, कब समझोगे इतनी सी बात यार, कैसे चूतिया लोग हैं भाई सब। कैरी मिनाटी आप इनडायरेक्टली ट्रांसजेंडर लोगों को अब्यूज कर रहे हो,
आपके ऊपर केस होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप अब्यूज कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब। ये भोसड़ी का कहां से लग रहा है ट्रांसजेंडर, पहले मुझे ये बताओ तुम। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अरे दीदी अपनी बहन की घाघरा चोली चुरा के लेके आया है ये और मुंह पे आटा लपेट के कुछ लाइकों के लिए बकचोदी खेल रहा है। अब इसका भी ना मजाक उड़ाए तो बहनचोद किसका उड़ाया है हमें ये बताओ तुम पहले। आपके ऊपर केस होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप अब्यूज कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब। लगता है ये दीदी भी मॉस्को से ही पढ़ के आई है। हद है यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम लोग, तुम तो वही हो ना यार जो टिकटॉकर्स को बोलते हो मुजरा करते हैं या जो हेट करते हैं। अरे यार आओ ना एक मिनट के लिए आओ ना। कहाँ? चौथी मंजिल पे चढ़ के तेरे उस पे कूद जाऊंगा, लंड के चार टुकड़े हो जाएंगे, बटोरता रहियो एक एक करके। अबे तुम्हारा टिकटॉक खुद इनवाइट करता भाई, समझाओ यार इन्हें को। और बहनचोद हर टिकटॉकर को ये क्यों लगता है कि टिकटॉक उनके बाप की एक छोटी सी संपत्ति है? तुम्हारा नहीं है टिकटॉक, कोई भी आ सकता, कोई भी हक्के जा सकता है, ठीक है? वो दो कौड़ी के रोस्ट करने वाले यूट्यूबर्स ये मत भूलो, हमारे टिकटॉकर्स है ना जो हम जैसे टिकटॉकर्स उनकी वीडियो जब तुम डालते हो ना यूट्यूब पे उस पे बुराई करते हो तभी तुमको लाइक व्यूज और फॉलोअर्स मिलते, तो ये मत भूलो कि जो हो हमारी वजह से हो। भग जा भौसड़ी के यहाँ से। हाँ इस दुनिया में एक टिकटॉक स्टार ही तो है जिससे हम चलेंगे, फैंचो दौर तो कोई है ही नहीं यार, इन पे ये सब कुछ जो चिढ़ेंगे इनसे हम। अबे गांड में घुसो अपना फेम, हम अपने फेम के साथ खुश हैं। भैया जाके अपनी रेडी पे सेव वे बेचो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? A few inches later. Please YouTube पे ये सब फालतू वाली वीडियो मत बनाओ, I respect all YouTubers और सॉरी मैंने कल कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया था। ये इन जैसे जो लोग हैं ना इनकी वजह से तुम्हारा टिकटॉक की रेड़ लगी पड़ी है, समझ रहे हो तुम? और तुम ही नहीं सपोर्ट करते हो, इन्हीं की वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट ठोकोगे, फिर कहते हो हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा। आज मैं ज्यादा ही हो गया लौंडो, मैं हंस खेल के लेता हूँ सबकी, लेकिन आज मेरा गुस्सा ज्यादा हो गया, ठीक है? बस अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं ज्यादा बोल दूंगा, ठीक? बाकी मजे लो, बाय। तो गाइस कैसी लगी आपको धीरू मांचन की वीडियो, प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस आजकल जो चला है ट्रेंड, सो टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, यूट्यूब को टिकटॉक वाले क्या कहते हैं, यूट्यूब वाले टिकटॉक को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज यूट्यूब वाले से हेट मत करो। सो गाइस अगर आपको इस वीडियो में मेरा रिएक्शन अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, और रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।